दार्जिलिंग भारत के सबसे खूबसूरत और भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। दार्जिलिंग प्रकृति की गोद में एक शांत हिल स्टेशन होने के अलावा यहाँ में कुछ अन्य पहलू भी है। आइए देखें दार्जिलिंग के बारे में कुछ अननोन और शॉकिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको शायद नहीं पता। दार्जिलिंग नाम की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्द दोर्जे और लिंग से हुई है। दोर्जे वज्र या थंडरबोल्ट का प्रतीक है, जबकि लिंग का अर्थ है क्षेत्र या स्थान या एरिया। इसलिए दार्जिलिंग आकाश में वज्रपात होने या तेज बिजली चमकने के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में एक ऐतिहासिक स्पॉट पहाड़ी पर स्थित है और आप इस पहाड़ी की चोटी से नेपाल, भूटान, तिब्बत और सिक्किम के झलक भी देख सकते हैं। वर्ष 1959 में दलाई लामा और उसके साथी चाइना के तिब्बत से हजारों की संख्या में यहां भाग आए और वो सभी दार्जिलिंग में बस गए। तिब्बतियन सेल्फ हेल्प रिफ्यूजी सेंटर अब कई तिब्बती परिवारों का घर है, जो अपने जीवन यापन के लिए पारंपरिक स्मृति चिन्ह बनाते हैं। क्या आपको पता है एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच, जो मशहूर शर्लॉक होम्स के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने दार्जिलिंग के एक तिब्बती मठ में अंग्रेजी पढ़ाते थे। 3150 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत शहर है, जो शुरुआती दौर में सिक्किम का हिस्सा था। दार्जिलिंग शहर का उत्तरी भाग नेपाल और सिक्किम के साथ जुड़े रहने की वजह से ये सिक्किम के हिस्से में चला गया था, तो कभी नेपाल ने इस पर कब्जा कर लिया था। दार्जिलिंग शहर की खोज एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान हुई थी, जब ब्रिटिश सोल्जर की एक दल सिक्किम जाने के लिए एक छोटा सा और आसान सा रास्ता ढूंढ रहे थे। शहर का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। आधिकारिक तौर पर दार्जिलिंग 1864 में बंगाल प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। दार्जिलिंग रंगीत वैली रोपवे एशिया के सबसे बड़ा रोपवे है। इस रोपवे से यात्रा करते समय आप खुद को बादलों के बीच पाएंगे और नीचे हरे भरे चाय की बागान का नजारा भी आप रोपवे से देख सकते हैं, जो काफी सुंदर होता है। चाय प्रेमियों के लिए दार्जिलिंग एक स्वर्ग है। यहाँ तक कि अगर आप चाय के शौकीन नहीं है तो आप हैप्पी वैली टी एस्टेट जैसी विशाल चाय बागानों की सैर कर सकते हैं। दार्जिलिंग का मुख्य आकर्षण दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1881 से 1882 के बीच में हुआ था। ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली छोटी सी रेलवे प्रणाली है, जिसका कुल लंबाई सिर्फ 78 किलोमीटर है। और ये टॉय ट्रेन पूरे भारत में सिर्फ आपको दार्जिलिंग में ही मिलेगी। ये टॉय ट्रेन बहुत धीमी गति से चलती है, जिससे आप दार्जिलिंग की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य को अच्छी से निहार सकते हैं। आपको बता दें कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1919 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। दार्जिलिंग का और एक मुख्य आकर्षण टाइगर हिल है। इसे रोमांटिक माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। इस टाइगर हिल से एवरेस्ट समेत विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का दृश्य देखना पर्यटकों के लिए रोमांचकारी होता है। दार्जिलिंग पर्वत क्षेत्र के 3 सब डिविजन दार्जिलिंग, कार्शियंग और कालिंगपंग में विभाजित है। दार्जिलिंग जिला के नजदीक सब डिविजन सारसांग आम लोगों के लिए कार्शियंग के नाम से जाना जाता है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ के सफेद अर्किड विश्व विख्यात है, जो स्थानीय भाषा में सुनखेरी के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग संस्कृति और धर्म दोनों में बहुत विविध है, जिसके कारण यहाँ के बाजार बहुत विस्तृत है। आप दार्जिलिंग से चाय पत्तिया के अलावा स्थानीय हस्तकला, मौजूदा संस्कृति के विभिन्न कपड़े, बौद्ध कलाकृतियाँ और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। यह घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीने के बीच होता है। तब दार्जिलिंग का तापमान 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दार्जिलिंग का नजदीक एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो सिलीगुड़ी में है। बागडोगरा से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए यहां से 90 किलोमीटर की यात्रा किराए की कार या जीप से किया जा सकती है। रेलवे से सबसे करीबी स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। न्यू जलपाईगुड़ी से टॉय ट्रेन द्वारा लगभग 8 घंटे की यात्रा करके दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।